स्टूडेंट्स, कम बैक टू अवर डेल्टा होम। अभी अपन पढ़ेंगे आज प्रोजेक्टाइल मोशन। जो मोशन इन लॉ अपन चालू किए थे वहाँ पे कुछ टॉपिक्स लिए थे, अभी ये कुछ बचे हुए टॉपिक्स जैसे कि प्रोजेक्टाइल मोशन अपन आज से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मीन बाय मोशन? मोशन क्या रहता है हमारा? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, एनी पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल की जो मूवमेंट होती है, मीन्स कोई भी पार्टिकल मूव होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मीन्स उसका क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, वो जगह छोड़ रहा है अपनी, और दैट इज मोशन। उसी के अपन बोलेंगे मोशन। तो अभी अपन देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, देखिए, एनी ऑब्जेक्ट इन अ फ्लाइट आफ्टर बींग थ्रोन विथ सम वेलोसिटी इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल। कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं, उसको अपन अगर एयर में थ्रो करते हैं, अगर फेंकते हैं शेयर में थ्रो कर, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर थ्रो करते हैं तो क्या होता है, अपन थ्रो कर रहे हैं मीन्स उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी, थ्रो कर रहे हैं मीन्स उसकी स्पीड है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वो क्या हो रहा है, हमारा ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, थ्रो हो रहा है, तो उसकी क्या रहेंगी, कुछ ना कुछ वेलोसिटी रह रही है। मीन्स दैट इज एनी ऑब्जेक्ट थ्रो विथ सम वेलोसिटी इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल। उसी को अपन बोलेंगे प्रोजेक्टाइल, ठीक है। और जो प्रोजेक्टाइल और वो जो वहाँ पे जो मोशन हो रहा है, मीन्स मूवमेंट हो रही है पार्टिकल की, क्योंकि वो क्या हो रहा है, अपन थ्रो कर रहे हैं कोई भी ऑब्जेक्ट तो वो मूव कर रहा है पार्टिकल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसकी मूवमेंट हो रही है, तो उसी को क्या बोलेंगे अपन, प्रोजेक्टाइल मोशन। मोशन होना हो रहा है मीन्स ऑब्जेक्ट का, दैट इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल मोशन। उसके अपन कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि देखिए, चिल्ड्रन थ्रोन स्टोन टूवर्ड्स ट्री। जो छोटे बच्चे, अपन ने भी छोटेपन में किया है, चिल्ड्रंस क्या करते हैं, कोई भी स्टोन उठा के अपन पेड़ को फेंकते हैं, मीन्स वहाँ से कोई भी फ्रूट को अगर अपने को अचीव करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं चिल्ड्रंस हमारे, कोई भी बच्चे जैसे कि एक स्टोन लेके अपन थ्रो करते हैं, तो उससे क्या होता है, वो उसको कुछ एनर्जी लगती है, अपनी भी एनर्जी लगती है, और जो स्टोन जा रहा है मीन्स उस स्टोन की भी क्या है, कुछ वेलोसिटी है, ठीक है, वो भी एक हमारा हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, बास्केटबॉल प्लेयर थ्रो अ बॉल टूवर्ड्स अ बास्केट। जो हमारा बास्केटबॉल प्लेयर रहता है, उसका मेन अचीवमेंट क्या रहता है, एम क्या रहता है, मेन एम, जो हमारी बास्केट वहाँ पे जो है बास्केट में हमारा बॉल सही तरीके से वहाँ से जाना चाहिए, ठीक है, तो उस तरह से वो क्या करता है, बॉल को थ्रो करता है, इस एंगल से वो थ्रो करता है कि जैसे वो हमारा बास्केट से मूव होके अपना नीचे आ जाए। मीन्स ये भी एक एग्जाम्पल हो गया हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन का, ठीक है, क्लियर है प्रोजेक्टाइल मोशन सबको। अभी नेक्स्ट देखते हैं ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। उसमें एक टॉपिक है हमारा ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल, उसका एक्सप्रेशन देखते हैं अपन। यहाँ पे देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर एक अपने डायग्राम ली है, जैसे कि दो कोऑर्डिनेट्स है, एक एक्स एक्सिस और एक हमारा है वाई एक्सिस। तो देखिए, लेट अस अज्यूम द इनिशियल वेलोसिटी यू एंड इट्स डायरेक्शन मेक्स द एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अपन ने क्या लिया है यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी, कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी रहेंगी, जो स्टार्टिंग वेलोसिटी रहती है हमारी, दैट इज यू कंसिडर की है, एंड इट्स डायरेक्शन मेक्स द एंगल थीटा। और जो डायरेक्शन यानी जिस डायरेक्शन से मूव हो रही है हमारी, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे जिस डायरेक्शन से मूव हो रहा है, जैसे वाई एक्सिस और टूवर्ड्स एक्स एक्सिस, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा थीटा एंगल क्रिएट हो रहा है, थीटा एंगल क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, देखिए, ठीक है, फ्रॉम दिस इनिशियल पोजिशन मीन्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो, एंड द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इज यू कॉस ऑफ थीटा एंड यू साइन ऑफ थीटा रिस्पेक्टिवली। क्या बोला है उन्होंने, जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे भी जा रहा है और वर्टिकल एक्सिस पे भी जा रहा है, अपन ने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे एक्स एक्सिस लिया है और वर्टिकल एक्सिस पे वाई एक्सिस लिया है, तो टूवर्ड्स वो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस पे जो जा रहा है, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, दैट इज दी गई है यू कॉस ऑफ थीटा, ये हमारी वर्टिकल वेलोसिटी है, एंड यू साइन ऑफ थीटा, सॉरी, ये यू कॉस ऑफ थीटा इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड वर्टिकल वेलोसिटी इज यू साइन ऑफ थीटा, हमारी दी गई है। अभी देखिए, ए वाई एक्सेलरेशन टूवर्ड्स वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के तरफ एक्सेलरेशन हो रहा है, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी। जी इज वॉट, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, हमें पता है जी क्या है हमारा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और उसको निगेटिव मीन्स वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, दैट्स वाई वी कैन टेक निगेटिव, अपने को पता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमेशा माइनस में रहता है। यू वाई टूवर्ड्स वाई एक्सिस जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, दैट इज यू साइन ऑफ थीटा, ठीक है। अभी देखिए, दस द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट टाइम टी,
जो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स है एट टाइम टी, मीन्स वहाँ पे वेलोसिटी स्पीड बढ़ रही है, मीन्स वहाँ पे कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रही है ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट की मूवमेंट हो रही है मीन्स क्या हो रहा है, उसको कुछ ना कुछ टाइम लग रहा है कवर होने को. सो ये एग्जाम्पल देखिए, द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट टाइम इज गिवन बाय, देखिए वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स, वी एक्स वेलोसिटी टूवर्ड्स एक्स एक्सिस, टूवर्ड्स एक्स एक्सिस की हमारी वेलोसिटी क्या है, यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस ऑफ थीटा. अभी यहाँ पे दिया है इनिशियल वेलोसिटी यू कॉस ऑफ थीटा, इसको अपन फर्स्ट इक्वेशन देते हैं. नेक्स्ट इज वी ऑफ वाई, मीन्स वेलोसिटी टूवर्ड्स वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे क्या है हमारा यू वाई माइनस ऑफ जी इंटू टी. यहाँ पे क्या है, वर्टिकल एक्सिस में क्या हो रहा है, अपना एक्सेलरेशन हो रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो रहा है, सो दैट्स वाई वी कैन टेक माइनस ऑफ जी इंटू टी. ये टाइम पीरियड, जो अपने को टाइम पीरियड लग रहा है वो टाइम कवर करने में. सो वी वाई इज इक्वल टू u साइन ऑफ थीटा, u y क्या है हमारा u साइन ऑफ थीटा, मीन्स वर्टिकल कंपोनेंट के टूवर्ड्स जो वेलोसिटी है वो क्या है हमारी u ऑफ साइन थीटा. सो u साइन थीटा माइनस ऑफ g इंटू टी, दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. ये अपन देते हैं इसको सेकंड इक्वेशन. नेक्स्ट देखिए, सिमिलरली द डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल इन अ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन इन टाइम पीरियड t इज गिवन बाय, क्या बोला उन्होंने, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है प्रोजेक्टाइल का, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पार्टिकल का ड्यू टू इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में हो रहा है उसका प्रोजेक्टाइल का मूवमेंट. सो इट इज गिवन बाय विद टाइम पीरियड टी, इट इज गिवन बाय दिया है एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू यू कॉस ऑफ थीटा इन टू टी. ये हो गया हमारा टूवर्ड्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. इसको अपन देते हैं थर्ड इक्वेशन नंबर थ्री. ठीक है, सिर्फ सिंपली टी ऐड किया यहाँ पे, टाइम पीरियड जो लग रहा है वहाँ पे. नेक्स्ट देखिए, एस इंटू वाई, टूवर्ड्स वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के लिए क्या रहेगा, यू साइन ऑफ थीटा इंटू टी माइनस ऑफ हाफ ऑफ जी इंटू टी स्क्वेयर. ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो रहा है हमारा. ठीक है, ड्यू टू ये इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर हो गया हमारा फोर. ठीक है, अभी नेक्स्ट देखिए, द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम टी, जो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल का जो मोशन हो रहा है, जो डायरेक्शन में हो रहा है वहाँ पे क्या हो रहा है, एक एंगल क्रिएट हो रहा है. कौन सा एंगल क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, अभी अल्फा एंगल क्रिएट हो रहा है विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे अल्फा एंगल क्रिएट हो रहा है एंड विच इज गिवन बाय, क्या रहेगा यहाँ पे, टैन अल्फा इज इक्वल टू वी वाई ऑफ टी अपॉन वी एक्स ऑफ टी, मीन्स वी वाई मीन्स वाई एक्सिस, वी वाई वेलोसिटी टूवर्ड्स वाई एक्सिस अपॉन वेलोसिटी टूवर्ड्स x एक्सिस. ये देते हैं अपन नेक्स्ट इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन नंबर 5. अभी देखिए जो वर्टिकल वेलोसिटी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग एज द प्रोजेक्टाइल गोज अप एंड बिकम जीरो एट सर्टन टाइम, एट दिस टाइम द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम. क्या बोला गया है यहाँ पे, द वर्टिकल वेलोसिटी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, जैसे जैसे वर्टिकल वेलोसिटी डिक्रीज होगी वैसे वैसे जो प्रोजेक्टाइल है हमारा वो क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा एंड इट बिकम्स जीरो एट सर्टन टाइम. जो वेलोसिटी रहेंगी वो क्या रहेंगी, सर्टन टाइम पीरियड में जीरो रहेंगे. मीन्स यहाँ पे जो डायग्राम में देखिए अपन, यहाँ से जैसे स्टार्ट हो रहा है वेलोसिटी, जैसे जैसे ऊपर जा रही है वहाँ पे डिक्रीज हो रही है और एक मैक्सिमम टाइम पे, ये टाइम पीरियड पे यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, वेलोसिटी क्या है, v इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि वहाँ पे रुक गया है प्रोजेक्टाइल एक सर्टन लिमिट पे. और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू पे v क्या रहेंगी हमारी, वेलोसिटी जीरो रहेंगी एंड प्रोजेक्टाइल बिकम्स मैक्सिमम. ये जो है यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम रहेगा, ठीक है, एंड वेलोसिटी इज जीरो क्योंकि वहाँ पे रुक गया है वो. यहाँ पे वही दिया है, द वर्टिकल वेलोसिटी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग एज प्रोजेक्टाइल गोज अप, वर्टिकल वेलोसिटी क्या रहेंगे हमारे, डिक्रीज होते रहेंगी जैसे जैसे ऊपर प्रोजेक्टाइल जाएगा और एक सर्टन लिमिट पे वेलोसिटी पूरी जीरो हो जाएंगी क्योंकि वहाँ पे स्टॉप हो जाएंगी एंड एट दिस द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम. जो प्रोजेक्टाइल की हाइट है हमारी, जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो क्या रहेंगी वहाँ पे, मैक्सिमम रहेंगी. नेक्स्ट, द वेलोसिटी इज देन स्टार्ट इंक्रीजिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड पार्टिकल इज नाउ फॉलिंग अंडर द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, तो अभी एक टाइम पे क्या रहेगा, एक सर्टन टाइम पे वेलोसिटी अपनी जीरो हो जाती है और वहाँ पे प्रोजेक्टाइल की वैल्यू क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है. और वहाँ पे सडनली फिर क्या होगा, वेलोसिटी स्टार्ट इंक्रीजिंग, वेलोसिटी स्टार्ट इंक्रीज होंगी मीन्स अपनी स्पीड अप होगी, स्पीड इंक्रीज होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में
और पार्टिकल इज नाउ फॉलिंग, जो हमारा पार्टिकल है, जो भी ऑब्जेक्ट है, वो क्या हो रहा है, वहाँ पे फॉल हो रहा है, फॉल हो रहा है पार्टिकल ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा पार्टिकल फॉल हो रहा है और वेलोसिटी वहाँ पे इंक्रीज हो रही है एक सर्टन लिमिट के बाद। देन आफ्टर व्हाइल द प्रोजेक्टाइल रीचेज द ग्राउंड, और थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा, फिर जो प्रोजेक्टाइल है हमारा ग्राउंड लेवल तक चला जाएगा, लास्टली ग्राउंड लेवल तक चला जाएगा। एंड दिस ग्राउंड, तो वहाँ पे क्या होगा, एक टाइम पे जहाँ पे प्रोजेक्टाइल हमारा ग्राउंड लेवल तक पहुँच जाएगा, उसी पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे, ट्रैजेक्टरी ऑफ ऑब्जेक्ट। अपन ने क्या ले रहे, अपन ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल ले, तो उसी को वही पॉइंट पे अपन क्या बोलेंगे, ट्रैजेक्टरी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी देखिए मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करती हूँ आपको। ये यहाँ पे जो हमारा एक हाईएस्ट पॉइंट है, जहाँ पे हमारा प्रोजेक्टाइल का क्या है, प्रोजेक्टाइल की हाइट मैक्सिमम है। ठीक है, फिर यहाँ से सडनली क्या होगा, हमारी वेलोसिटी डिक्रीज, वेलोसिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि सडनली वो क्या हो रहा है, फॉल, हमारा ऑब्जेक्ट फॉल हो रहा है, और एक पॉइंट पे यहाँ पे ऑब्जेक्ट आके रुक रहा है, मीन्स ग्राउंड लेवल तक जा रहा है। तो वहाँ पे क्या रहेगा, हमारी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज रहेंगी, फास्टली इंक्रीज होंगी, वेलोसिटी हाई रहेंगी, और यहाँ पे ग्राउंड लेवल तक वो पहुँचेगा। मीन्स ये पॉइंट को अपन जो बोलेंगे, ये जो लास्ट पॉइंट है, दैट इज ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल, वो पॉइंट को क्या बोलेंगे अपन, ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, सो द ट्रैजेक्टरी ऑफ ऑब्जेक्ट इज शोन। यहाँ पे अपन ने ट्रैजेक्टरी देख लिया। अभी नेक्स्ट देखते हैं, लेट द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच द मैक्सिमम हाइट बी टी जीरो। जो टाइम अपन ले रहे हैं प्रोजेक्टाइल को मैक्सिमम हाइट पे पहुँचने के लिए, मीन्स जहाँ पे अपना प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट अचीव करता है, उसी पॉइंट को क्या बोलेंगे, टी जीरो। एट दिस हाइट, एट पॉइंट पी, वो हाइट पे पॉइंट पी, टी इज इक्वल टू टी जीरो रहेगा हमारा, टाइम टी इज इक्वल टू टी जीरो एंड वी वाई इज इक्वल टू जीरो। उस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या रहेंगी हमारी, जीरो रहेंगी। अभी मैंने एक्सप्लेन किया थोड़ी देर पहले, वेलोसिटी वहाँ पे जीरो रहती है। सो यूजिंग दिस इक्वेशन नंबर टू, ये इक्वेशन नंबर टू लेते हैं अपन। तो यहाँ पे देखिए, वी वाई इज इक्वल टू यू साइन ऑफ थीटा माइनस ऑफ जी इंटू टी, ये लेते हैं। यहाँ पे वी वाई क्या है हमारा, वेलोसिटी वहाँ पे जीरो है मैक्सिमम पॉइंट पे, जीरो इज इक्वल टू यू साइन ऑफ थीटा माइनस जी इंटू टी, मीन्स टी जीरो, टी इज टी जीरो लिया है, तो टी के लिए अपन टी जीरो लेते हैं। सो यहाँ पे जीरो आएगा ये, तो ये एक्सप्रेशन अपन लेते हैं टी जीरो के फॉर्म में, लिखते हैं एक्सप्रेशन, इसको रीअरेंज किया अपन ने, क्या यार, टी जीरो इज इक्वल टू यू साइन ऑफ थीटा अपॉन जी, ये हो गया हमारा इक्वेशन। सो द टोटल टाइम इन एयर, जो टोटल टाइम रहता है एयर में, जो अपने को लगता है, दैट इज टी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टी जीरो, 2 into this 20, so that is called as time of flight, इसी को बोलेंगे अपन time of flight। अभी next देखते हैं अपन, range देखते हैं। जैसे कि देखिए, the total horizontal distance travel by the project particle in a time t can be obtained by equation number 3। क्या बोला है, total horizontal distance अपने को travel करना है, जो भी total horizontal distance कोई भी particle travel करता है in time period t, which is obtained by equation number 3। देखिए equation number 3, r is equal to u x into t। अपना हमारा u x क्या है, u x is u cos of theta into t। ठीक है, तो u cos of theta into t is what, हमारा t क्या है, 2 times t zero। ठीक है, 2 times t zero, तो अभी 2 times t zero मतलब t zero की वैल्यू हमारे पास, अपन ने अभी निकाले, t zero is equal to u sin of theta upon g। ठीक है, तो यहाँ पे वो वैल्यू पुट की है, यहाँ पे क्या आएगा, 2 u इंटू कॉस ऑफ थीटा अपन 2 इंटू ये 20 इक्वेशन अपन ने यहाँ पे पुट किए हैं, दैट इज u साइन ऑफ थीटा अपन जी। अभी इसको क्या करेंगे, इक्वेशन को अपन रीअरेंज करते हैं, रीअरेंज मीन्स इसके ब्रैकेट्स अगर ओपन करते हैं, तो ये u, दिस u इंटू दिस u, u इंटू यू इज u स्क्वायर आ गया हमारा, इन ब्रैकेट, ब्रैकेट में ये कॉस थीटा को अपन लेके जाते थे, कहेंगे 2 टाइम्स साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा अपॉन जी। ठीक है, मैंने बस रीअरेंज किया इक्वेशन को। अभी मुझे बताइए, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डैट इज इक्वल टू साइन ट्वाइस ऑफ थीटा आता है हमारा। ठीक है, ट्वाइस ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा, यहाँ पे पुट करिए वैल्यू, मीन्स आर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर इंटू साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन जी, ये हो गया हमारा इक्वेशन। ये क्या है, हमारा रेंज का इक्वेशन निकाले अभी अपन ने। तो देखिए इसकी डेफिनेशन, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस
ट्रैवल बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या बोला है? द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल किया है दैट इज ट्रैवल बाय द प्रोजेक्टाइल। जो प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसी को क्या बोलेंगे अपन? हॉरिजॉन्टल रेंज। ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज। और अभी अपन ने क्या देखे? अभी प्रोजेक्टाइल मोशन देखे और ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन देखे। ठीक है, आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू क्लास।